हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। बहुत ही मोस्ट मोस्ट क्या कहें इसको, VBI कही। VBI मतलब बहुत ही अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। क्या है छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया, यानी ये कोटि की प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, लेकिन छद्म क्यों कहला रहा है? होता क्या है कि कभी कभी विशेष परिस्थितियों में जो उच्च कोटि की अभिक्रियाएँ होती हैं, उच्च कोटि की मतलब रहती है दो या तीन की, लेकिन किसी कारणवश प्रथम कोटि की हो जाती है, तब उसे कहा जाता है छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक, यहाँ पे हमने लिखा कि वैसी उच्च कोटि की अभिक्रियाएं जो विशेष परिस्थितियों में प्रथम कोटि की बन जाती हैं, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कराती है। जैसे इसे उदाहरण से हम लोग समझेंगे। मान लीजिए शुरू समय में जब T=0 था, इसकी सांद्रता 0.01 मोल थी और इसका सांद्रता 10 मोल लिया गया प्रयोग से, NCERT में भी दिया है। अब उस समय ये तो बने नहीं होंगे शुरुआती समय में, जब T0 होगा तो, यानी जब यह अभिक्रिया शुरुआत नहीं होगी, परिवर्तन नहीं हो रहा होगा, तब इसके 0 मोल होंगे, इसके भी 0 मोल होंगे। मान लीजिए किसी समय t पर इसका मोल खत्म हो गया और इससे अभिक्रिया करके ये बना लिया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0 मोल। यहाँ पे कितना खत्म होगा? तो यहाँ पे 0.01 मोल ही अभिक्रिया करेगा, इससे सारे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक मोल में 6.022×10^23 अणु परमाणु होते हैं, तो उतना ही जितना मोल लिया गया उतना ही मोल इससे अभिक्रिया करेगा। एक मोल लीजिएगा तो इसका एक मोल अभिक्रिया करेगा, दो मोल लेंगे तो दो मोल अभिक्रिया करेगा, 0.01 मोल लिया गया है तो 0.01 मोल ही अभिक्रिया करेगा, यानी कि एक परमाणु से करेगा। 6.022×10^23 परमाणु, उतने परमाणु से ही जुड़ सकता है ना, आने से नहीं, ज़्यादा से नहीं। तो इसलिए यहाँ पे कितना का कमी होगा, घटाइए 0.01 घटाएंगे तो आएगा 9.9 मोल आएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, इधर कितना बनेगा भाई? तो जितना मोल भाग लिया उतना ही बनेगा, 0.01 मोल बनेगा, फिर यहाँ पे भी 0.01 मोल ही बनेगा ना। तो अब क्या पता चला, यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो जो जल की सांद्रता है उसमें लगभग थोड़ा सा ही परिवर्तन हुआ, यानी इसी तक हम जल की मात्रा ज़्यादा ही लेंगे और इसको कम मात्रा में लिया गया है, यानी तनु अवस्था में, तो जल का मात्रा में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ जो कि नगण्य है। देखा जाए तो 9 को हम 10 लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। इस कारण से क्या पता चल रहा है कि अभिक्रिया के वेग में जो जल की सांद्रता है वो स्थिर है, स्थिर है मतलब स्थिरांक है, उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उसके स्थिरांक के साथ हटा सकते हैं, या बोल सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग में जो R है वो R में H2O की सांद्रता क्या है, इसका कोई भूमिका नहीं है, यानी इसकी पावर 0, H2O की सांद्रता का घात 0 है, यानी इसका कोई भूमिका नहीं, इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा, इस प्रकार भी हटा सकते हैं। तो इस बात को लिखते हैं क्योंकि जल की सांद्रता में परिवर्तन नहीं हो रहा, अतः तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, R लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? तो K लिखते हैं, फिर किसकी सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता, CH3COCO2H5 और H2O की सांद्रता लिखते हैं ना। अब यहाँ पे क्या होगा ऊपर घात में, तो दोनों का घात एक ही होगा। क्यों ऐसा लिखा हमने? क्योंकि एक प्राथमिक अभिक्रिया है, यहाँ इसका वाला एक और इसका वाला एक आगे वाला लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यह एक प्राथमिक अभिक्रिया है। ठीक, इसलिए हमने लिख दिया।
अब चूंकि जल की सांद्रता स्थिर है, वैसे अब कोटि निकालना चाहे तो एक एक दो होगा, लेकिन यहाँ पे जल की सांद्रता स्थिर है, इसलिए हम क्या करेंगे, जल की सांद्रता को स्थिरांक के साथ ख़त्म कर देंगे, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, यानी ये जीरो, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो प्राथमिक अभिक्रिया, इसलिए हमने यहाँ पे एक लिख दिया देखकर, इसका इसको देखकर, लेकिन प्राथमिक अभिक्रिया को देख के हम लिख तो सकते हैं घात, लेकिन प्रयोग से देखा गया कि अभिक्रिया H2O का घात एक नहीं है, बल्कि क्या है, जीरो है, जीरो। तो यहाँ पे मतलब कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा, अब चूँकि ये प्राथमिक अभिक्रिया तो हम देख के यहाँ से लिख सकते हैं, इसका ऊपर एक इसका घात एक इसका घात लिख सकते हैं, लेकिन प्रयोग से देखा गया कि जो नियम कह रहा है बिल्कुल उसका उल्टा चल रहा है, H2O का यहाँ पे सांद्रता जीरो है, तो कहानी ख़त्म हो जाता है यहाँ से ना, या स्थिरांक है तो इसको हम साइड कर देंगे, तो यहाँ पे इसलिए R बराबर केवल क्या बचता है कि CH3, यहाँ इसको CH3 बना देते हैं, CH3 COOC2H5 का घात एक बचता है, इसलिए अभिक्रिया की कोटि कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, अभिक्रिया की कोटि बराबर एक, यानी होना चाहिए था, प्राथमिक अभिक्रिया है तो इसके अनुसार दो होना चाहिए था, लेकिन प्रयोग से देखा गया कि छद्म है, मतलब कि जल की सांद्रता स्थिर रह जाती, इसलिए एक हो गया अभिक्रिया कोटि, लेकिन हाँ आणविकता नहीं चेंज होगा, आणविकता वही रहेगा, क्योंकि यह प्राथमिक अभिक्रिया है तो हम इसका आणविकता निकाल सकते हैं, आणविकता बराबर होगा दो, यानी एक इसका और एक इसका, तो यही ध्यान देने वाली बात है कि उधर हमने देखा कि प्राथमिक अभिक्रिया का ही कोटि और आणविकता बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे भी अभिक्रियाएँ हैं जिसकी कोटि और आणविकता बराबर नहीं भी होती, यह ध्यान देने वाली बात है कि कोटि आणविकता किसके लिए नहीं बराबर होती हैं, तो छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए, इसी तरह सुक्रोज का प्रतिलोमन भी छद्म प्रथम कोटि का ही उदाहरण है, उसको भी देख लेते हैं, तो यहाँ पे हमने इक्षु शर्करा का एग्जाम्पल लिख दिया, सुक्रोज का इक्षु शर्करा मतलब सुक्रोज यानी चीनी जिसको हम लोग कहते हैं, C12H2O11 ये भी एक छद्म प्रथम कोटि का ही उदाहरण है, यह भी एक प्राथमिक अभिक्रिया, इसलिए आणविकता इसका भी दो हो जाएगा, एक और एक दो, लेकिन हाँ अभिक्रिया की कोटि एक होगी, तो यहाँ पे हमने R बराबर लिख दिया, इतना उसका घात एक कर दिया ग्लूको सुक्रोज का, H2O का रहन दिए क्योंकि H2O का स्थिर रहता है सांद्रता, इसलिए अभिक्रिया की कोटि एक होगी। ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है प्रतिलोमन का मतलब, दोनों एक ही जैसे हैं लेकिन इनका बस ज्यामिति अलग अलग होता है, ध्रुवणता, एक डेक्स्ट्रो रूप रहता है तो एक लीवो रूप रहता है, समझेंगे उसको बाद में समझेंगे जब आगे पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम वही बात लिख देते हैं कोष्ठ में करके कि यह एक प्राथमिक अभिक्रिया है, इसलिए आणविकता क्या हो जाएगा, दो। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि यह एक प्राथमिक अभिक्रिया है, इसलिए आणविकता बराबर दो। अब बात आती है कि परीक्षा में भी ये सब लिखें कि आप बगल में, परीक्षा में तो ज़्यादा नहीं लिखना होता, परीक्षा में आप परिभाषा लिखिए और एक एग्जाम्पल दे दीजिए, अब बात ख़त्म है, आप सीधा डायरेक्ट ये लिखिए और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, ना आणविकता लिखना ना प्राथमिक अभिक्रिया के बारे में लिखना, ठीक समझ गए बात। अगले वीडियो में हम लोग शून्य कोटि अभिक्रिया का गतिकी देखेंगे, जिसमें समाकलित वेग होगा और आंकिक उदाहरण होगा, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।